इस पूजा में नहीं बैठोगी तुम। आज इस पूजा की नौबत तुम्हारी वजह से ही तो आई है। बच्चा खोया मैंने अपना तुम्हारी वजह से। तू तो अच्छे तरीके से जानता है कि क्या हुआ था, सब बता चुकी हूँ तुमने। तो क्यों ना समझ रहा कि मैंने जो कुछ किया हमारे बच्चे ने वापस लाने के लिए किया। एक बार बोल दिया ना, नहीं बैठोगी इस पूजा में तो नहीं बैठोगी, बस। मैं बैठूंगी। तू होता कौन है मन्ने रोकने वाला? बाप है वो इस बच्चे का, और ऐसा बदकिस्मत बाप है जिसने अपने बच्चे का चेहरा भी नहीं देखा। सिर्फ तुम्हारी वजह से ये बस इतना चाहता है कि इस वक्त ये पूजा ये शांति से कर पाए। वक्त की नजाकत को समझो, ये हक मत छीनो उससे। मैं कुछ ना छीनना चाहती मम्मी जी, बस अपने बच्चे की पूजा में बैठना चाहती हूँ। उसकी माँ होने के नाते इतना हक तो मेरा भी है ना। तो ठीक है, अगर ये पूजा में बैठेगी तो मैं नहीं बैठूंगा। अब आप लोग तय कर लीजिए। नामीत, ये पूजा मेरे बच्चे के लिए है, और इस माँ और उसके बच्चे के बीच में मैं तन्ने के दुनिया की किसी ताकत ने ना आने दूंगी। तेरी माँ ने मन ने दिया था, माता रानी की लॉकेट है ये, मैं तन्ने पहना रही हूँ। हे माता रानी, हमारा बच्चा जहाँ भी हो उसे हमेशा खुश रखना। हे माता रानी, हमारा बच्चा जहाँ भी हो उसे खुश रखना। पंडित जी, ये बच्चा किसका है? ये माता रानी का बालक है। यकीन नहीं होता ना, लेकिन ये सच है। श्रीनगर से माता रानी के लिए फूलों का जो ट्रक आता है, उन्हीं फूलों के बीच मिला है ये बालक। तो हुआ ना माता रानी का बालक? जी जी गुरुजी।